नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फ्री में। देखिए, आज मैं आपके लिए राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में पहला आइकन के बटन को जरूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? जी हाँ, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट से। क्वेश्चन नंबर दो, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? जी हाँ, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा चुनाव आयोग से। क्वेश्चन नंबर तीन, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? जी हाँ, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा वित्त आयोग से। क्वेश्चन नंबर चार, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? जी हाँ, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा संघ की राजभाषा यानी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर पाँच, शून्यकाल कब होता है? जी हाँ, शून्यकाल कब होता है? तो इसका उत्तर होगा 12 बजे से 1 बजे के बीच शून्यकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर छः, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर सात, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा विपक्ष का नेता। जी हाँ, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर आठ, पंचायती राज किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? जी हाँ, पंचायती राज किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो उत्तर होगा बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। बलवंत राय ने 1957 में सिफारिश की थी और इन्हीं की सिफारिश पर जो है पंचायती राज लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नौ, सख संवत को कब स्वीकार किया गया? जी हाँ, सख संवत को कब स्वीकार किया गया? तो उत्तर होगा 22 मार्च 1957 को। जी हाँ, सख संवत को 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर दस, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? जी हाँ, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा नागौर राजस्थान में। जी हाँ, नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? जी हाँ, सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? तो उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1959 को। जी हाँ, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था नागौर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर होगा बीजी खैर। जी हाँ, बीजी खैर जो थे वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका उत्तर होगा 1955 में। जी हाँ, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर थे। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? जी हाँ, राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 356 से। जी हाँ, राष्ट्रीय आपात का संबंध अनुच्छेद 356 से है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तर होगा 6 अगस्त 1952 को। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जी हाँ, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 15 मार्च 1950 को। जी हाँ, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? जी हाँ, अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा अंतर्राज्यीय परिषद से। जी हाँ, अनुच्छेद 263 का संबंध अंतर्राज्यीय परिषद से है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? जी हाँ, वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो उत्तर होगा 7 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में विधानसभा सीटें ज़्यादा हैं? जी हाँ, किस राज्य में विधानसभा सीटें ज़्यादा हैं? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीटें सर्वाधिक हैं और
विधानसभा सीटों की संख्या 340 है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 340 है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? जी हाँ, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य का राज्यपाल। जी हाँ, उस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यपाल की नियुक्ति आयु कितनी होती है? जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति आयु कितनी है? तो उत्तर होगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 153 का संबंध किससे है? जी हाँ, अनुच्छेद 153 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल से। जी हाँ, अनुच्छेद 153 का संबंध राज्य के राज्यपाल से है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर लगता है? जी हाँ, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर लगता है? तो उत्तर होगा राज्यपाल की। जी हाँ, राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? जी हाँ, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली का। जी हाँ, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 28, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? जी हाँ, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। जी हाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 58 न्यायाधीश हैं। अगर हम बात करें सबसे कम, जी हाँ, किस उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं? तो उत्तर होगा गुवाहाटी में। जी हाँ, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कुल 3 न्यायाधीश हैं, यानी कि सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है और सबसे ज़्यादा न्यायाधीश जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, 58। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? जी हाँ, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 24। जी हाँ, भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दल बदल से संबंधित संशोधन है? जी हाँ, दल बदल से संबंधित संशोधन है? तो उत्तर होगा 52वां संशोधन। जी हाँ, 52वां संशोधन जो है वो दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? जी हाँ, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जी हाँ, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उत्तर होगा फातिमा बीबी। जी हाँ, फातिमा बीबी जो थी वो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? जी हाँ, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उत्तर होगा 31 न्यायाधीश। जी हाँ, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।